जैसा कि आप जानते हैं कि थियोडोलाइट एक जटिल उपकरण है जिसके साथ सावधानी पूर्वक और कुशलता से काम करना चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि इस उपकरण को इस्तेमाल करते समय बहुत सी अचूक सेटिंग्स लगानी पड़ती है, इसलिए थियोडोलाइट इस्तेमाल करते समय त्रुटियां होने की संभावनाएं अधिक हैं। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि थियोडोलाइट सर्वे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको उन त्रुटियों से बचने में मदद मिले। तो थियोडोलाइट सर्वे में वे कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में सर्वेयरों को जानकारी होनी चाहिए कि वे उनको करें या ना करें। आइए इस मॉड्यूल थियोडोलाइट सर्वे में क्या करें और क्या ना करें के माध्यम से इसके उत्तर का पता लगाते हैं। स्वागत है। यह मॉड्यूल पूरा करने के बाद आप निम्न कर सकेंगे, उन चीजों की सूची बना सकेंगे जिनको थियोडोलाइट सर्वे में करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। थियोडोलाइट सर्वे में क्या करें और क्या ना करें मूलभूत रूप से चेनिंग में बरती जाने वाली सावधानियों की सूची है। आइए जान ले कि वे क्या हैं। शुरू करने के लिए उपकरण को हमेशा उचित ढंग से और सावधानी से सेंटर करें। एक फुट स्क्रू को घड़ी की दिशा में और दूसरे को विपरीत दिशा में न घुमाएं। अस्थाई एडजस्टमेंट्स करने के बाद ट्राइपॉड की जगह को बिल्कुल न हिलाएं। हमेशा लेवलिंग की अचूकता को प्लेट बबल के साथ सावधानी से जांचें। क्लैंप स्क्रूज को सही तरीके से कसें। क्लैंप स्क्रूज कसने के बाद थियोडोलाइट को घुमाने की कोशिश न करें। हमेशा जांच करें कि कॉलिमेशन की लाइन टेलीस्कोप के अक्ष के समानांतर है। हमेशा वर्नियर रीडिंग्स लें और रीडिंग्स का औसत भी निकालें। जांच करें कि निचली और ऊपरी वर्नियर रीडिंग्स अचूकता से मेल खाते हैं या नहीं। पैरेलेक्स से बचने के लिए हमेशा अच्छी तरह फोकस करें। इसलिए याद रखें कि थियोडोलाइट के क्या करें और क्या न करें को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस मॉड्यूल में आपने थियोडोलाइट सर्वे में उन चीजों के बारे में सीखा जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको थियोडोलाइट इस्तेमाल करते समय हमेशा पालन करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए।